क्योंकि आज मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया। हेडेक है, हेडेक है, फिर भी मैंने ट्रेड लिया। और यहाँ आप देख सकते हैं 122 था टोटल बैलेंस, जिसमें से हमको अचीव करना था 135.22। ओके, तो $12 का प्रॉफिट होना है। हमने 4 ट्रेड लिया, जिसमें से सॉरी हमने 5 ट्रेड लिया है टोटल। अगर देखेंगे 5 ट्रेड लिया, 5 ट्रेड में से हम लोग का एक लॉस है और बाकी 4 विन है। हम लोग का वही हम लोग को चाहिए, 4 विन चाहिए 10 ट्रेड लेने में से, 4 विन चाहिए। और हम लोग को प्रॉफिट गेन करना था 12.94, यानी 10% ऑफ 122.28। ठीक है, 4 ट्रेड में से ये मेरा ट्रेड का यानी कि किस इनिशिएट कैसे हुआ। पहला $8 में से प्रॉफिट, दूसरा $5 लॉस, फिर $8 प्रॉफिट, फिर $4 में प्रॉफिट, फिर 1.6 का लिया। मैं दिखा देता हूँ आपको एक एक कितना का ट्रेड मैंने लिया था। तो चलते हैं इस पर। देखिए, फर्स्ट ट्रेड हम लोग था, ये आज का है। अगर हम देखेंगे इसे 28 दिसंबर, ये आज का है फर्स्ट ट्रेड हम लोग का $8 का, ये जो कि विन था। और फिर सेकंड 5, उसमें मैंने लॉस किया। फिर सेकेंड फर्स्ट डॉलर मैंने एनालाइज करके लिया था SNR लेवल में, सेकेंड भी SNR लेवल में एनालाइज करके लिया था। लेकिन जब थर्ड जब मैंने बोइंग का लिया, मैं दिखा देता हूँ, बोइंग कंपनी का होना चाहिए मेरे ख्याल से। थर्ड ट्रेड, थर्ड ट्रेड बोइंग, हाँ बोइंग कंपनी का होना चाहिए। थर्ड ट्रेड जब मैं एनालाइज किया, मैंने 5 मिनट का एनालाइज किया, 5 मिनट का, यस ये जगह में, ये जगह था, ये मैं देखिए यहाँ सेकेंड ट्रेड मेरा लॉस हुआ। सेकेंड ट्रेड मेरा किसमें था, सेकेंड ट्रेड फर्स्ट सेकेंड, हाँ सेकेंड ट्रेड बोइंग कंपनी में था, डाउन का मेरे ख्याल से मैंने लिया हुआ था। हाँ डाउन का मैंने लिया हुआ था। ओके, तो इस कैंडल में मैं लिया था डाउन, ये कैंडल में, ये जो, हाँ ये जो ग्रीन कैंडल है, लास्ट जो ग्रीन कैंडल, इस कैंडल में मैंने डाउन का लिया हुआ था। और फिर आपको आपने देख लिया होगा, ये कैंडल में मैंने डाउन का लिया हुआ था। तो ये जो लास्ट कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल बना, इसमें मैं डाउन लिया हुआ था। और फिर ये अप चला गया, अप जाने के बाद यानी ग्रीन में क्लोज हुआ। मुझे लगा ये जो लास्ट कैंडल, ये वाला जो कैंडल है, ये SNR लेवल के नीचे क्लोज हुआ था और स्ट्रॉन्ग कैंडल भी है। मुझे लगा ये डाउन जाएगा, इसलिए मैंने डाउन ट्रेड लिया। लेकिन अगला जो है ये ग्रीन में क्लोज हुआ, ग्रीन में क्लोज हुआ, थोड़ा सा मैं इमोशनल हुआ। और फिर मैं, मुझे लगा ये वापस डाउन जाएगा, इसलिए मैंने डाउन का ट्रेड लिया। इमोशनल ट्रेडिंग था, बट ये विन हुआ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट एनीवे ये विन हुआ। और यानी कि विन हो गया ट्रेड। अगर हम लोग इसमें देखें तो ये एक आपका कैंडल है, आपका ये क्या कैंडल बोलते हैं इसको, इनसाइड एज कैंडल, ये मदर कैंडल है और ये बेबी कैंडल है। तो नीचे साइड अगर ये ब्रेक करता है, तो अगला अगला कैंडल, ये जो कैंडल बना है डोजी, इसमें मैं डाउन जा सकता था और विन भी होता। लेकिन मैंने ट्रेड वहाँ ना लेकर के मैंने पहले ही ट्रेड लिया। थोड़ा इमोशनल ट्रेडिंग था, बट एनीवे विन हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट ट्रेड हम लोग का हुआ, नेक्स्ट जो लास्ट सेकेंड लास्ट जॉनसन्स में मैंने ट्रेड किया, वो भी $4 का विन। और फिर लास्ट ट्रेड हम लोग का $1 का था। तो ऐसा मैं मनी मैनेजमेंट किया, पहला 8, फिर 5, 5 का लॉस होने पर फिर दोबारा 8 का बोला हमको चार्ट, और फिर $4
और फिर $1 का ये आज का प्रॉफिट गेन हो गया 10% जो चाहिए था। तो यस, थैंक यू फॉर वाचिंग। और